हाय व्यूअर्स, 20 फीट बाई 27 फीट में, मतलब 22 फीट बाई 27 फीट में हमने एक बढ़िया सा आज में 2 बेडरूम हाउस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए 27 फीट बाई 22 फीट, मतलब 22 फीट बाई 27 फीट, 594 स्क्वायर फीट में हमने एक बढ़िया सा 2 बेडरूम और एक गेस्ट बेडरूम, साथ में बाइक पार्किंग करने का जगह भी देखेंगे। ये देखिए 2 हमें बेडरूम है, मार्किंग कर लिया हूँ और फिर चलेंगे मार्किंग हम करेंगे। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, या यहाँ पे हमने टीवी यूनिट और सोफा प्रोवाइड किया हूँ। बेडरूम के हिसाब से हम भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर देखिए ये टॉयलेट और ये हमारा किचन एंड डाइनिंग। फिर हम देखेंगे स्टेयर्स पैसेज है और हमारा मेन एंट्रेंस भी वहीं पे ही है। और एक हम दिए हैं बाइक पार्किंग करने के लिए एक प्लेस, जो कि हमने स्टेयर के जस्ट नीचे प्रोवाइड किया हूँ। जस्ट यहाँ पे हम बाइक पार्किंग करेंगे, क्योंकि हर घर में अभी तो बाइक पार्किंग करने का जगह बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैंने एक इसके लिए जगह रखा हूँ। सो व्यूअर्स, आप चलते हैं इसका डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं, फिर चलेंगे हमारा इसका विंडो और जो हमारा कॉलम है ये देखेंगे। ये देखिए जो हमने मार्किंग किया, ये प्लिंथ हाइट है जिसका हाइट देखिए 1 फीट 6 इंचेस। सो हमने इसके हिसाब से यहाँ में हमारा स्टेप, मतलब घर में चढ़ने के लिए, ग्राउंड फ्लोर में चढ़ने के लिए हमने 3 स्टेप दिया हूँ। और ये जो देखिए 1 फीट 6 इंचेस मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हूँ, हमारा जो बाइक पार्किंग जोन है इस जोन में हमने यहाँ पे इसको काम पे लगाया हूँ। ये हमारा बाइक पार्किंग एरिया। अब चलते हैं इसको थोड़ा डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं। ये स्टेप है और स्टेप का दोनों साइड में बेंच है, मतलब बैठने के लिए थोड़ा सा साइड देखने के लिए ये हमारा बेंच है। और देखिए जो हमने मेन एंट्रेंस रखा, मतलब स्टेप रखा हूँ 5 फीट 2 इंच, और जो हमें मिनिमम चौड़ा यहाँ पे 10 इंच और जो मैक्सिमम हाइट हो 6 इंच करके रखा हूँ। अब चलते हैं पार्किंग वाला पोर्शन। ये देखिए 6 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 5 इंच, मतलब यहाँ पे हम बाइक पार्किंग करेंगे। यहाँ पे जगह हाइट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारा मेन जो डोर है, ये 4 फीट बाई 7 फीट का है, मेन गेट जिसको बोलेंगे। अब चलते हैं हमारा स्टेयर पैसेज, या स्टेयर के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो स्टेयर है ये देखिए 2 फीट 6 इंचेस, और जो हमारा ट्रेड है ये 10 इंच का है, और जो राइजर है ये 6 इंच का है। आप लोग अगर राइजर यहाँ 7 इंच आते हो तो फिर हमारा जो लेंथ है इसका बढ़ सकता है, बट मैंने 2.5 फीट रखा हूँ, ये काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं हमारा मेन एंट्री जो डाइनिंग में और लिविंग में घुसेंगे। ये 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है, और जैसे ही हमने एंट्री किया सो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा हमारा गेस्ट बेडरूम या लिविंग रूम। और देखिए उसका भी साइज हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए गेस्ट बेडरूम का थोड़ा देख लेते हैं, सोफ़ा और एक बेड प्रोवाइड करके रखा हूँ, और टीवी यूनिट भी यहीं पे हमने यूज किया। आप लोग चाहते हो तो हम स्टेयर के बाजू में ही हमने एक गेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गेस्ट बेडरूम करूँगा बोल के ही इसको अंदर से हमने डोर प्रोवाइड किया हूँ, या आप लोग 2 डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है, और जो गेस्ट बेडरूम है जिसका साइज, यहाँ पे हमने 2 विंडो प्रोवाइड किया हूँ जिसका साइज मैंने थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। ये 10 फीट 4 इंच लंबाई है, जो चौड़ाई है ये देखिए ये 9 फीट का है। सो 9 फीट बाई 10 फीट 4 इंच का हमारा जो इसका आज का डायमेंशन है। फिर चलते हैं हमारा जो एक ही टॉयलेट दिया हूँ, टॉयलेट बाद साथ में ही है। ये चौड़ाई जो 4 फीट है और जो लंबाई है ये 7 फीट का है।
आज का जो टॉयलेट एंड बाथ 4 फीट बाई 7 फीट का है, और इसका जो डोर साइज़ है ये 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। और जो हमने देखिए प्लेस मिल रहा है जस्ट डोर के बगल में, मतलब हमारा टॉयलेट के बगल में ही, यहाँ पे हमने ये हमारा वॉश बेसिन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हाथ हैंड वॉशिंग माउथ वॉशिंग के लिए हम यहाँ पे एक हैंड वॉश और उसके ऊपर ही हमने मिरर एक प्रोवाइड करेंगे। मैंने इसको उठा लेता हूँ, ये हमारा वॉश बेसिन के काम पे आएंगे। ये है जिसका साइज़ 2 फीट बाई 1.5 फीट का है। ओके, और फिर चलते हैं हमारा जो आज का हॉल है, मतलब किचन एंड डाइनिंग साथ में रखा हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये 11 फीट 9 इंच बाई जो हमें चौड़ाई मिलेगा, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन तक 8 फीट 6 इंचेस का है। ओके, काफ़ी बड़ा है। और चलते हैं बेडरूम के ओर। ये बेडरूम का जो डोर है 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का है, दोनों बेडरूम का डोर, और जिसका साइज़ देखिए ये 10 फीट बाई इस तरफ हमें 11 फीट। 11 बाई 10 का हमारा बेडरूम है, दो विंडो प्रोवाइड किया हूँ। चलते हैं ये दूसरा बेडरूम में, जिसका साइज़ देखिए हमें 10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का है। 11 बाई 10 फीट 9 इंच का हमारा रूम हुआ। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरनल डायमेंशन वगैरह। और अब चलते हैं, हम देखेंगे फ्रंट साइड में या जो हमें विंडो वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हूँ उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे हमारा जो इसमें कितना कॉलम यूज किया हूँ वो देख लेते हैं। ये देखिए 5 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस, मतलब गेस्ट जो बेडरूम है इसके लिए या लिविंग रूम के लिए ये थोड़ा बड़ा रखा हूँ। अब चलते हैं हमारा किचन, मतलब ये जो हमारा टॉयलेट है ये 3 फीट बाई 1 फीट 6 इंचेस, और फिर दोनों बेडरूम में मैंने सेम रखा हूँ 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस, दो दो करके रखा हूँ, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने दो दो पार्ट रखा हूँ। अब किचन और डाइनिंग में देखिए ये 4 फीट बाई 4 फीट रखा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर सिंक रखना होता है तो यहाँ पे हमें एक टैब लगाने के लिए ये दिया हूँ। व्यूअर्स, ये था हमारा डोर विंडो साइज, और देखिए टोटल हमने जो आज 594 स्क्वायर फीट में टोटल हमने 11 कॉलम यूज किया हूँ, जिसका साइज 10 इंच बाई 10 इंच। व्यूअर, आज का जो हाउस प्लान है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ये हाउस प्लान है व्यूअर्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आने वाला जो वीडियो है वो आपको आसानी से पहले ही आप देखने मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।